तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज यार, रिसेंटली मैंने जो रश्मिका मैम का पोर्ट्रेट बनाया था, उस वीडियो में मैंने बोला था कि आप ये पूरा प्रोसेस को समझो, पूरा वीडियो देखो, सारे एपिसोड को देखो, उसके बाद पोर्ट्रेट बनाओ और मुझे DM करो, मुझे टैग करो। आप सभी के आर्टवर्क मैं रिव्यू करूँगा अच्छे तरीके से, डिटेल में, और देखूँगा कि किस तरीके से आपने बनाया है, कहाँ पर आपने मिस्टेक करी है। तो मुझे बहुत सारे DM आए हैं और कुछ लोगों ने टैग भी किया था, तो वहाँ से भी मैंने उठाया हुआ है। तो मैं रिव्यू अभी कर रहा हूँ, और अगर आपका आर्टवर्क इंक्लूड नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे DM कर देना। अगर मुझे अच्छी एंट्रीज़ आती हैं नेक्स्ट टाइम भी, तो मैं एक और एपिसोड बना दूंगा। फिलहाल जितने भी मेरे पास एंट्रीज़ आई हैं, मैंने ट्राई करा है कि सारे इंक्लूड कर दूं। अगर गलती से भी मुझसे छूट गया हो तो मुझे DM कर देना, कमेंट में भी बता देना कि आपने वो पोर्ट्रेट बनाई थी बट मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। तो फटाफट से मैं रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप लोगों की कुछ एंट्रीज़ हैं, आप लोगों के कुछ ड्राॅइंग्स हैं, जो मुझे कुछ ड्राइंग्स जो है वो DM में आए थे, आप लोगों ने DM किया था, और कुछ ड्राइंग मैंने अपने टैग किया था, तो वहाँ से मैंने निकाला हुआ है, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने ड्राइंग पैड ले रखा है। सबसे पहले तो जो भी आप ड्रॉ करते हो, जो भी आपके पास पहले से नॉलेज है, जो भी स्किल है, उसको यूज़ करके आप कुछ ड्रॉ करते हो। ड्रॉ करने के बाद आपका क्या काम होता है, सबसे पहला कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो वो फाइंड आउट करो कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढो, ना कि बहाने। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये पेपर नहीं था, मेरे पास ये पेंसिल नहीं था। मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ, पेंसिल और पेपर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ढूंढा करो, क्योंकि बहाने हर किसी के पास होता है, बहाने से कोई इम्प्रूव नहीं करता, ठीक। तो फटाफट से मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैं दो चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहला बताऊँगा आउटलाइन, क्या आपने आउटलाइन किस तरीके से बनाया है, कहाँ पे आप स्टैंड आउट करते हो आउटलाइन में, कितना आपको वर्क करना है या फिर आपका काम ठीक है आउटलाइन में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दूसरा, शेडिंग। अब देखो, शेडिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वो तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कि किस तरीके से आप शेडिंग को बैलेंस वगैरह कर सकते हो, तो वो अलग टॉपिक है। फिलहाल मैं आपके जो वर्क है उसमें देख के मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको आगे क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास है ये, और देखो, अगर जो आपका यूज़र नेम और जो भी आपका नाम है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो जाता है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ठीक है, इनका जो आउटलाइन है, मैं कहूँगा आउटलाइन अच्छी बनाई थी, आउटलाइन में ज़्यादा मुझे मिस्टेक नहीं लग रहा है, क्योंकि लिप्स भी जो एंगल वगैरह सही है, नोज़, सारी चीज़ें आउटलाइनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं। आपने शेडिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, अपने हेयर जो आपने बहुत ज़्यादा डार्क किया है, ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे शेडो पड़ रहा था तो कंप्लीट बिल्कुल डार्क होता। ये भी ठीक है, बढ़िया है, ये भी इधर भी ठीक है, बस ये जो अपने फेस को शेड किया ना, ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, और ये जो लाइनिंग जो दिख रही है ना, रियलिस्टिक शेडिंग में ये लाइन्स नहीं होनी चाहिए, जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, ये नहीं होना चाहिए, ये शेडिंग के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। तो ठीक है, फेस को आपने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया, कहीं कहीं लाइंस की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। शेडिंग में आपने मेहनत नहीं किया, मेहनत करना चाहिए। तो आउटलाइन आपकी अच्छी है और ज़्यादा बुरी नहीं है, आप और प्रैक्टिस करो और भी अच्छा हो जाएगा। आउटलाइन में ज़्यादा दिक्कत मुझे लगी नहीं, शेडिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत है, प्रैक्टिस करो, ट्यूटोरियल्स देखो, ठीक हो जाएगा। तो ये था देव आर्ट करके, तो इनका ये आर्टवर्क था। ओके, तो नेक्स्ट है ये जयस आर्ट करके। आउटलाइनिंग में मिस्टेक हो गई है, ये वाला पोर्शन आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, लिप्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो फेस का एंगल है और लिप का एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो आउटलाइन में आपको और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपने ये ग्रिड मेथड से बनाया है, तो ग्रिड मेथड के साथ साथ आपको फ्री हैंड जो लुमिस मेथड है, मेजरमेंट मेथड, सब पे आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहो। आपको किसको आगे लेके जाना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो बाद में पता चलेगा, फिलहाल आप सब पे फोकस करो। तो आउटलाइनिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, और जो यहाँ पे चश्मा भी है वो इस तरीके से मुड़ गया, ऐसा लग रहा है कि वो टूटने वाला है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेडिंग की, तो बैकग्राउंड को आपने ठीक ठाक मेहनत करा है, इसको एक लेयर और देते तो ये और अच्छे तरीके से डार्क हो जाता, क्योंकि फ़ोन में तो नहीं दिख रहा बट यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये लाइट है, तो एक लेयर अगर आप और ऐड करते तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाता।
बाकी ये पोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये देखो। और शेडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं, आप स्मूथनेस आप लेकर आए हो, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से ये किया है, यहाँ पे डार्क है, धीरे धीरे आपने लाइट किया है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स किया है, तो अच्छा है। आउटलाइनिंग में थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, और शेडिंग भी ठीक है, ज़्यादा बुरी नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट है AS आर्ट्स करके, और आउटलाइनिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। तो आपको अभी फ़िलहाल देखो, अगर आप ये ग्रिड मेथड से बना रहे हो और इतना ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको अब बेसिक आपकी ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। जो फेस के प्रोपोर्शंस होते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, कि फेस के देखो हर जो फेस के पार्ट्स हैं ना, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है, उनके बीच का रेशियो क्या होता है, सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट पोर्ट्रेट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो उनसे आप बेहतर हो जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया। अगर आपने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है, बट आपको पोर्ट्रेट से पहले आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके के बेसिक्स पे आप काम करोगे, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, डोंट वरी। तो बेसिक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो आउटलाइनिंग गड़बड़ है, और शेडिंग में भी आपने बहुत फ्लैट रख दिया है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो आप जो रेफरेंस है मैं डाल दूंगा ऊपर ही, उसमें आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ से, मतलब समझ रहे हो ना, देखो इस तरीके से लाइट आ रही है। तो ये पोर्शन जो था वो कम्प्लीट लाइट वाले एरिया में था, ये पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे कास्ट शेडो आ रहा था, और इधर जो था वो कम्प्लीट शेडो में था। तो ये सारी चीज़ें आपने पूरा फ्लैट कर दिया, आप देखो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम शेड्स, यहाँ पे भी सेम, तो पूरा फ्लैट हो गया। तो शेडिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी शेडिंग को थोड़ा सा साइड रख लो, आउटलाइनिंग पे ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो, प्रोपोर्शन ठीक करो। अगर आपको लगेगा कि हाँ अब आप आउटलाइनिंग बना के आप अच्छा खासा एक्यूरेट बना पा रहे हो, उसके बाद आप शेडिंग में शिफ्ट करो। दोनों को एक ही साथ मिक्स करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इनका भी वही सीन है, ड्रीम आर्ट्स करके हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। और देखो अगर मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ ना, तो बुरा मत मानना, क्योंकि देखो जब तक आपको पता नहीं चलेगा मिस्टेक्स क्या हैं, आप ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जहाँ पे गड़बड़ है वो मैं गड़बड़ बोलूँगा, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वे में ही बोल रहा हूँ, ताकि आप बेहतर नेक्स्ट टाइम कर सको। तो अरे यार ये बार बार उठे, ओके, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, आपको बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। और आप सर्च करोगे ना YouTube पे कि प्रोपोर्शंस क्या होते हैं फेस के, बॉडी के प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। प्रोस्पेक्टिव आप सीखो, ये सारी चीज़ें पहले सीखो। आप लोग उल्टा करते हो, आप सीधा चले जाते हो पोर्ट्रेट पे, और बेसिक्स आपको पता नहीं होता। सेटिंग में भी कुछ करानी है तो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे ये बेहतर हो जाएगी, डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। ओके, इन्होंने बहुत अच्छी करी है, जहाँ अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, दीपक प्रकाश करके हैं, और बहुत अच्छा बनाया आपने, और सेटिंग भी इम्प्रेसिव है। थोड़ा सा और सॉफ्ट हो सकता था, मतलब स्मूथ हो सकता था। बाकी ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छे तरीके से आपने शेड करा है, और यहाँ पे भी शेडो वगैरह, शेडिंग आपकी अच्छी है और एक्यूरेट भी अच्छी है। बस देखो एक कॉमन मिस्टेक है, जितने लोगों का मैंने पोर्ट्रेट देखा है, एक कॉमन मिस्टेक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो अच्छा बना रहे हो, बहुत बढ़िया है, और थोड़ा सा और स्मूथनेस आ जाएगी तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, तो ये किसी ने मुझे DM किया था, आई गेस, तो ये इनका नाम है दीप करके, बढ़िया है, एंगल वगैरह अगर मैं देखूँ तो बढ़िया है, सेटिंग भी आपने अच्छा, यहाँ तक आपका अच्छा हो रहा था, उसके बाद ये थोड़ा पैचेस आ गए हैं, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना था, ठीक है। यहाँ तक देखो आपने अच्छा किया, यहाँ तक ना आपने अच्छा किया, उसके बाद थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको देखो, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करो, मैंने कितनी बार बोला था वीडियो में भी कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स करोगे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये पोर्शन आपने भी बहुत अच्छा किया है, ये जो आपने जो इफ़ेक्ट दिया है बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने मेहनत करी है, और बाकी पोर्शन जैसे हेयर वाले पोर्शन में आपने मेहनत ही नहीं करी है। तो मेहनत करो, अगर आपको ये बनाने में मन लगता है, ठीक है, मज़ा आता है, तो टाइम देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर 2-3 घंटे और दे देते तो और बेहतर निकल पाता,
आप लोगों के पास पता है पोटेंशियल होता है, बट आप लोग पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते हो जल्दबाजी के चक्कर में। शायद हो सकता है कि पोस्ट करने की जल्दबाजी हो कि फटाफट से मुझे पोस्ट करना है, या फिर किसी भी चीज़ का जल्दबाजी हो, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ओके, तो ये है हनी आर्ट करके, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो बढ़िया है। आपको भी आउटलाइन और बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत गड़बड़ है, शेडिंग में भी कुछ खास करा नहीं आपने। तो बेसिक्स, अभी पोर्ट्रेट मत बनाओ, जिनको भी मैं बोल रहा हूँ ना पोर्ट्रेट अभी मत बनाओ, तो उस चीज़ को सीरियसली लो। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हो और कल को एक बहुत ही अच्छा आर्टवर्क बनाना चाहते हो ना, तो अभी आप बेसिक्स पे ध्यान दो, पोर्ट्रेट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। मैं इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक होता तो मैं बता भी देता, शेडिंग पे भी मैं देखूँ तो पूरा फ्लैट हो गया है, कोई किधर से लाइट आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो शेडिंग भी आपको सीखना पड़ेगा, तो बेसिक्स से स्टार्ट करो। आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, बेसिक्स किसी को देखना पसंद नहीं होता है। मैं बेसिक के वीडियोज़ भी बहुत सारे मैंने डाले हुए हैं, उस पर व्यूज़ तो बिल्कुल ही नहीं आते। इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक्स देखना पसंद नहीं है, और जब तक नहीं देखना पसंद होगा तब तक आप नहीं सीखोगे। तो बेसिक्स पे ध्यान दो, प्रोपोर्शन देखो, प्रोस्पेक्टिव देखो, ये टर्म्स जो मैं बता रहा हूँ नोट डाउन करो और सर्च करो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट है आर्ट्स थिंक करके, और इन्होंने बढ़िया बनाया है। ये जो चश्मे के ऊपर जो रिफ्लेक्शन इन्होंने दिखाया, ये बहुत अच्छा दिख रहा है और सही है। थोड़ा बहुत लिप्स में, मैंने पहले बताया था जब मैं पोर्ट्रेट बना रहा था ना, तभी बताया था कि लिप्स वाला एरिया थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो दिख रहा है, बहुत लोगों ने मिस्टेक करी हैं। बाकी थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा सा और टाइम दोगे ना तो और बेहतर निकल के आएगा। बाकी शेडिंग ठीक है, ये पोर्शन दिख रहा है कि ये लाइट, यहाँ पे लाइट पड़ रही है और ये थोड़ा सा वो है, बट ये वाला एरिया यहाँ तक देखोगे तो अच्छी बनी है। अगर मैं देखो है ना, अब यहाँ पे ये भी ठीक है थोड़ी बहुत, और यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो ये वाला जो एरिया ना, इसको आप अच्छे से देख लो। तो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट्रेट ये, और ये है पूजा आर्ट्स करके, जिन्होंने बनाया है उनका नाम, और आई गेस आपने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ किया हुआ है। आप कमेंट करके बता देना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप बता देना कि ग्रेफाइट, मुझे लग रहा है कि ये ग्रेफाइट पेंसिल है। और आपको ये देख के मुझे लग रहा है, देखो ग्रेफाइट पेंसिल से भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है, बट यहाँ पे मुझे देख के लग रहा है ना कि आपको पता नहीं किसी चीज़ की हड़बड़ी होगी, कहीं जाना होगा, लेट हो रहा होगा, इसलिए आपने फटाफट से बना दिया, ज़्यादा मेहनत नहीं किया है। ये और बेहतर रिज़ल्ट आपको दे सकता था, और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता था। ये वाला एरिया ठीक लगा मुझे, थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट लेकर आओ, एक दो लेयर और करोगे तो जो फिनिशिंग है ना, फिनिशिंग बस नहीं दिख रहा है, ऐसा फेडेड टाइप लग रहा है, धुंधला टाइप। और लिप्स भी, लिप्स भी आपने अच्छे तरीके से ड्रॉ किया, थोड़ा सा और मिस्टेक था, एक दो लेयर आपको और ऐड करनी थी, बाकी ठीक है, ज़्यादा बुरा नहीं है। हेयर वाला एरिया थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पोर्ट्रेट, और ये है आशीष त्रिपाठी करके, बढ़िया है। आपने भी वही गलतियाँ करी हैं जो हर कोई कर रहा है, हड़बड़ी कर रहे हो, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो चीज़ें ड्रॉ करने में, तो टाइम देना पड़ेगा, इतनी जल्दबाजी करोगे काम नहीं चलेगा। बाकी पोटेंशियल है आप में भी, ये पोर्शन आपने भी अगेन अच्छा ड्रॉ किया है। लिप्स वाला जो लोअर लिप है वो थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया है, तो इसको देख लेना, अपर लिप अच्छा है, लोअर लिप में गड़बड़ हो गई है, तो ये आप देख लो। तो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास ये पोर्ट्रेट, और ये किसने बनाया है, ये बनाया है आर्ट बाई सना, इनका यूज़र नेम है। तो बढ़िया है, एक दो लेयर और आप ऐड करो, और एक दो लेयर आप ऐड करोगे तो होगा क्या, जो जो डेप्थ है ड्राइंग में वो और निखर के आएगी, जो डिफरेंसेस हैं लाइट शेड्स और लाइट टोन, मिड टोन और जो डार्क टोन्स हैं उसमें, वो बहुत बेहतर तरीके से निकल के आएगा। और लिप आपने अच्छे तरीके से ड्रॉ किया था, बट शेडिंग बहुत फ्लैट हो गया है, यहाँ पे हाईलाइट देने की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा सा लाइट आ रहा है तो शाइन करता है ये पोर्शन, तो यहाँ पे आपको हाईलाइट देने की ज़रूरत थी। हाईलाइट आप दोगे, रेफरेंस देखो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाईलाइट देने की ज़रूरत थी। और हेयर पे भी ठीक है, डार्कनेस आपने अच्छी अचीव करी है, बट थोड़ा सा और मेहनत लगना था। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये, और इनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करके अपना नाम बता देना। तो आपको भी वही सीन है, आपका भी आउटलाइनिंग पे ध्यान दो, बहुत गड़बड़ है,
शेडिंग भी आपने बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, तो क्योंकि ये इस तरीके से जो आपने दिया है ना, इसका मतलब यही है कि आपको शेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और ज़्यादा आपने प्रैक्टिस भी नहीं करी है, तो ट्राई करा है ये बहुत अच्छी बात है। ट्राई करते रहोगे तभी आप सीखोगे, ठीक है, बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली आप मिस्टेक करते हो, फिर नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करोगे, ठीक है। तो बढ़िया है, ये भी बढ़िया ट्राई किया है, बट बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है आपको अभी। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे राजकुमार आर्ट्स करके है इनका नाम, और मुझे ये इनका जो ड्राइंग देखा तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये थोड़ा सा अजीब टाइप से दिख रहा है, क्योंकि कलर मे बी ग्रेफाइट की वजह से ये साइन कर रहा है। एंगल थोड़ा सा डिफरेंट लेना था आपको, और किस तरीके से आपको फ़ोटो कैप्चर करना है वो भी मैंने बताया हुआ था, शायद आपने नहीं देखा अच्छे तरीके से। तो ठीक है, आपको भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आउटलाइन इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, और प्रैक्टिस करो। और शेडिंग में गड़बड़ है बहुत सारी, और हो सकता है कि आपने इमेज भी अच्छे तरीके से नहीं कैप्चर करी उसकी वजह से, बट ये पोर्शन गड़बड़ हो गया, ये भी पूरा देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ का बाल बिल्कुल उड़ चुका है, तो ऐसा नहीं था। आप रेफरेंस पे देखोगे तो इतना ज़्यादा हाईलाइट देने की ज़रूरत नहीं थी, इसको अच्छे तरीके से सबको हाईलाइट देने के बाद इसको मिक्स करना था ताकि आप जो एग्जैक्ट टेक्सचर है वो आप ला सको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मिस्टर पीयूष करके नाम है इनका, और इन्होंने ये बनाया है। आपको भी वही, अभी पोर्ट्रेट पे बिल्कुल ध्यान मत दो, छोटे छोटे पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स ड्रॉ करो, आई अच्छे से तरीके से ड्रॉ करना सीखो, लिप्स कैसे ड्रॉ करना है, फिर ओवरऑल फेस का स्ट्रक्चर क्या बनाना है, फिर फीचर कैसे ऐड करने, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइन बाय लाइन आप सीखोगे। अभी स्टार्ट करूँगा मैं, जहाँ पे मैं ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मैं पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आऊँगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वो आप देखोगे आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल बहुत सारी ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर मैं नहीं भी डालता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैं डालूँगा तो वो अपने स्टाइल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मिस्टेक है बहुत सारी, इसमें कुछ बहुत मिस्टेक है सेटिंग में भी बिल्कुल, ये देखो ये पूरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आपको और भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो नेक्स्ट पोर्ट्रेट हमारे पास ये, और ये बनाया है श्रद्धा जी ने, और आपको भी बहुत मेहनत कर, देखो फिलहाल कंप्लीट पोर्ट्रेट पे आप भी मत ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो, ठीक है, थोड़े बहुत बेसिक्स ठीक हो जाएं फिर आप ट्राई करो पोर्ट्रेट, फिर आप चेकआउट करो कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने ड्राइंग को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है बनाने के बाद, और एक नोटबुक लो, ठीक है, इस तरीके से नोट डाउन करो कहाँ पे आपको लग रहा है मिस्टेक, क्योंकि खुद से अगर आप अपने मिस्टेक्स देख पा रहे हो तो आप उसको ठीक भी कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन भी आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो किसी के भरोसे मत बैठो कि कोई और आपको बताएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। रेफरेंस देखो, फिर इसको देखो कहाँ पे मिस्टेक करी है वो देखो और नोट डाउन करो, और फिर उसके बाद देखो कि इसका सॉल्यूशन हम कहाँ से ला सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करो, किसी से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप नोट डाउन करना सीखो जहाँ पे मिस्टेक होती है। मैं जो भी ड्राइंग बनाता हूँ उसको बनाने के बाद 2-3 घंटे तो मैं उसको देखता रहता हूँ कि इसमें और क्या कर सकता था, कहाँ पे मिस्टेक रह गई है, कहाँ पे कमी रह गई है, नोट डाउन करता हूँ। अगर मैं उसमें ठीक नहीं कर सकता तो नेक्स्ट पोर्ट्रेट में उसका ध्यान रखता हूँ। तो इस तरीके से आप रख सकते हो, आपको भी बेसिक्स पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है सोलफुल साहिद करके, और इन्होंने भी, इनका भी वही सीन है, बेसिक्स पे ध्यान दो, सर्च करो यूट्यूब पे किस तरीके से आप प्रोपोर्शंस, जो बेसिक प्रोपोर्शन होते हैं फेस के, वो कैसे ड्रॉ करते हैं। सेटिंग में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो आपको भी वही ध्यान देना है। तो गाइज नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पोर्ट्रेट, और ये बनाया है साहिल अरोरा जी ने, और अच्छा बनाया था, बहुत बढ़िया जा रहा था, बट यहाँ पे आपने पता मिस्टेक क्या करी है, आपको एक दो लेयर और देना था और एक फाइनल फिनिशिंग करनी थी, फिनिशिंग नहीं है बस इसमें। शेडिंग मुझे कहीं कहीं बहुत अच्छी लगी है, जैसे लिप्स वाला जो एरिया है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से शेड कराया, हाईलाइट भी जहाँ देना था आपने अच्छे तरीके से कराया, इसको आप अगर फाइनल फिनिशिंग देते ये बहुत अच्छा दिखता, तो फाइनल फिनिशिंग में दिक्कत है, आउटलाइनिंग आपने अच्छी करी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, डे बाय डे आपकी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। तो बस गाइस यहाँ पे एंट्रीज हमारी ख़त्म होती है, और अगर आपने टैग किया था, आपने बनाया था और मिस हो गया है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ आप मुझे कमेंट कर देना, DM कर देना, बता देना, ताकि मुझे अच्छे खासे एंट्रीज फिर से आती हैं तो मैं एक और वीडियो बना दूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।
तो एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था कि जो कॉमन मिस्टेक था, जितने भी आर्टवर्क मैंने देखे हैं, जो एक कॉमन मिस्टेक था वो था ड्राइंग में जल्दबाजी। पता नहीं आप लोगों में सभी में क्या जल्दबाजी है, आप शायद हो सकता है आपका ट्रेन छूट रहा हो या मुझे नहीं पता, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोगों में बहुत लोगों में मैंने देखा जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और बहुत बेहतर हो सकती थी, ड्राइंग देख के लग रहा था कि पोटेंशियल आप में है, बट आपने एक मिस्टेक कर दी, जो कर दी जल्दबाजी, टाइम नहीं दिया प्रॉपर। टाइम दोगे आपकी ड्राइंग और अच्छी निकल के आएगी, ठीक है। तो ये देना आप सीखो, पेशेंस, आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे, तो प्रैक्टिस करते रहो, डेली कुछ ना कुछ बनाओ इस तरीके से, जो छोटे मोटे जैसे फ्री टाइम में आप बैठे हो इस तरीके से, आप लूमिसेड मेथड और बहुत सारे मेथड्स हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो, उससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और वो कॉन्फिडेंस को आप अपने ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। तो गाइज यही था आज के वीडियो में, तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।